Hi Namaskar, welcome to my channel. And yes, today's video is very interesting. It's about Sugar Cosmetic September Kit 1. और मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे वहाँ पर ये इसका किट के बारे में कई अपने फ्रेंड्स होते हैं ना जो लाइक करके रखते हैं तो अपन को नोटिफिकेशन आता है या अपने पेज पे सजेस्ट आता है तो वहाँ पर ही मैंने इस किट को देखा था एंड आई थॉट कि मैं क्यों ना इसको परचेज़ करूँ. ऑल दो मुझे इसके मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले. कुछ लोग कह रहे थे कि इट्स नॉट वर्थ ऑफ मनी, सम पीपल वर सेइंग कि इट्स गुड ऑसम. सो मैंने सोचा कि आई शुड परचेज इट एंड आफ्टर परचेजिंग इट I was thinking कि मैं इसका genuine review बनाऊँ कि ये कैसा है, it's worthy or not. So ज़्यादा time waste करे बिना हम start करते हैं इस video को. So this is my sugar cosmetic kit जो कि मुझे blue dart से deliver हुई वो भी 5 दिन में. So it was fast. So for some for that और मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदा है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है. सो हम स्टार्ट करते हैं. ये ऐसी पैकेजिंग में आया था और इसके अंदर मुझे मिलता है एक छोटू क्यूटू सा पाउच जिसके अंदर इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स अपने दिए थे मुझे. सो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले. वन बाई वन स्टार्ट करते हैं. So the first product, the very first product in this box is this one. This is Sugar Cosmetic Kajal. ये 249 रुपीस का है और अगर हम इसके टेक्स्चर की बात करें तो एक तो इसका जेट ब्लैक कलर है. यू कैन सी दैट, सी दिस इज द कलर. और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इस काजल के बारे में कि इसका टेक्सचर बहुत बटरी है, बहुत ही स्मूथ तरीके से ग्लाइड्स ऑन वेरी स्मूथली. तो अगर आप इस काजल को ऐसा लाइनर यूज़ करना चाहते हो ना तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो यूज़ किया हुआ है अपनी आईज पे दैट इज़ द सेम काजल और इतना सही है ये. सो थम्स अप फ्रॉम मी. द सेकेंड थिंग इन दिस सीरीज इज द It's a Pout Time Vivid Lipstick in the shade the Twilight Rose. So, second thing. देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर पसंद होते हैं जैसे कि मैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल न्यूड कलर पसंद होते हैं जैसे कि कई गर्ल्स होती है जो ऑफिस गोइंग होती है उन्हें लगता है कि ऑफिस में ज़्यादा बोल्ड कलर नहीं यूज़ करने चाहिए तो वो बहुत न्यूड शेड्स यूज़ करती है. कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा न्यूड या फिर कुछ लोगों के बॉडी टोन पे बहुत ज़्यादा न्यूड कलर सूट नहीं करते हैं तो वो बहुत ट्रांजिशन से कलर सर्च करते हैं जैसे कि जो कि बोल्ड भी ना हो ज़्यादा, जो कि लाइट भी बहुत ज़्यादा ना हो. तो ऐसे लोगों के लिए ये कलर जो है वो बहुत अच्छा है. ये आई विल शो यू, दिस इज लाइक दैट, यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी गुड पिंक शेड जो कि डार्क पिंक और लाइट पिंक, वेरी न्यूड पिंक के बीच का है. यू कैन सी दैट इट्स अ ट्रांजिशन पिंक कलर. और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इफ़ यू कैन सी तो ये थोड़ा सा शिमरी है और लेकिन बहुत स्मूथ है, बहुत लाइट वेट है. आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है. सी आई हैव यूज्ड दिस लिपस्टिक ऑन माई लिप्स राइट नाउ. तो ये बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट सा. आपको अगर ऐसे छोटे से गेट टुगेदर में जाना हो, ऑफिस जाना हो, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो ऐसे नॉर्मली तो आप इसको वियर कर सकते हो एट दैट टाइम. सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड. और ये है कुछ आई थिंक 599 की. सो इट्स वेरी गुड. Now the third one is इसके साथ एक्चुअली जब मैं इसको परचेज कर रही थी तो इस पर मुझे एक नेल कलर इन्होंने प्रॉमिस किया था एंड एट द एंड जब मैं इसको चेकआउट कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया जिसमें एक नेल कलर और एक लिपस्टिक और थी. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि यार मतलब एक लिपस्टिक और एक नेल कलर भी मुझे एक्स्ट्रा मिला. तो अगर मैं पहले नेल कलर्स की बात करती हूँ, ये दो नेल कलर्स मुझे मिले हैं जिसमें से एक तो मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है और एक जो था वो मेरे किट के साथ ही था. तो मैं आपको दोनों नेल कलर्स दिखाती हूँ. दीज आर द टू कलर्स विच आई हैव बॉट और मैं इनका शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी. ये जो है ये मैट फिनिश है एंड दैट इज़ वेरी ऑसम शेड आई मस्ट टेल यू. ये भी पिंक का एक शेड है लेकिन बहुत 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 अच्छा है. और ये जो शेड है ना ये कुछ अलग है, मतलब मस्त.
इसका क्या है कि ये ब्राउन और गोल्डन के बीच का शेड है. यू कैन सी दैट आई हैव वोर दैट राइट नाउ. ये बहुत प्यारा शेड है. और जैसे आप छोटी पार्टीज में या शादी वगैरह में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नेल कलर मैं यूज़ करूँ, तो यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट. इट्स अ वेरी गुड कलर. और ये दोनों 249 के थे. तो जहाँ तक अभी मैं सोचूँ तो मेरा अभी किट 1000 के ऊपर क्रॉस कर गया है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट इन्होंने मुझे दो लिपस्टिक और प्रॉमिस की थी, दैट वॉज अ लिक्विड लिपस्टिक. बस गड़बड़ यहीं हो गई. अब देखो आप ये दी है इन्होंने मुझे दो लिक्विड लिपस्टिक जो कि आई डोंट नो ये क्या साइज़ है. 1.5 ml है ये. आई नो यार मेरी गलती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि इट्स 1.5 ml. बट क्या हुआ कि यार कौन पढ़ता है, हम पढ़ते हैं क्या कि कितना ml है कितना ml नहीं है. हमें तो लगता है कि यार इट्स ओके, इतना स्टैंडर्ड साइज़ होगा. बट ये इतने छोटे हैं ना कि आप इसको मतलब लाइक अ टेस्टर. और यू कैन से ना कि अगर आपको परचेज करना हो तो आप ये दो कलर यूज़ कर लो. मैं ये नहीं कह रही हूँ, दीज कलर्स आर वेरी ऑसम, वेरी वेरी ऑसम. बहुत प्यारे कलर है ये दोनों उसके, बट वेरी स्मॉल इन साइज. सो इन टोटल मैं कह सकती हूँ कि दैट वॉज अ जीरो सम गेम फॉर मी. क्योंकि मुझे बहुत जो और प्रोडक्ट्स मिले दैट वर वेरी गुड, बहुत अच्छे थे. बस ये दो लिपस्टिक बहुत ज़्यादा छोटी थी, दैट वॉज नॉट गुड. तो कभी भी मैं आपको बस एक चीज़ बोल रही हूँ, अगर कभी भी आप परचेज करते हो कोई कॉम्बो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रॉपरली पढ़ो कि उस कॉम्बो में क्या क्वांटिटी दी हुई है. और हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आज के समय में, लाइक नाइका, मिंत्रा, जहाँ पर ना इनके जो ये इंडिविजुअली मिलते हैं अपन को, तो हम वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं ना कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या है. तो एक बार आप चेक कर लो. मैंने भी किया होता तो मैं सोचती, बट इट्स ओके फॉर मी. मैंने तो ले लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी, नो प्रॉब्लम विद दैट. ओनली द थिंग इज कि पहली चीज़ तो आप देख लो कि इसको आपको कैसे करना है मैनेज, कैसे आपको लेना है, इन प्रोडक्ट्स को लेना है तो आपको पसंद है कि नहीं है, तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना. ओके okay? आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करो. और हाँ, यहाँ पर जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही बनाऊँ, जेन्यून रिव्यूज़ दूँ, तो आप लोग वो मिस ना करो. एंड येस, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.